आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, माननीय वी सतीश जी, माननीय वीरेंद्र साठे जी और उपस्थित भाई और बहनों, जिस विषय को लेकर आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से रामभाव मार्गी प्रबोधिनी जी ने रखा है और वो परिचर्चा के स्वरूप में हम सब मुंबई के प्रबुद्ध नागरिकों के सामने ये विषय की सत्यता रखने के लिए विशेष रूप से दिल्ली से माननीय मोनिका जी आई है। और जैसे शुरुआत में साठे जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि जेएनयू प्रकरण और प्रगतिशील आतंकवाद, इसका मतलब आतंकवाद कभी भी प्रगतिशील नहीं हो सकता, लेकिन खुद को जो प्रगतिशील कहते हैं उन्होंने वैचारिक रूप से किया हुआ यह आतंकवाद है, इस प्रकार की स्पष्टता भी उन्होंने दी है। मैं स्वयं आपके जैसा बहुत सारे बिंदुओं के लिए मोनिका जी का भाषण सुनने के लिए उत्सुक हूं। आप स्वयं दिल्ली से, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है, दिल्ली में जो विद्यार्थियों का बड़ा संगठन या चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ा चुनाव दूसरों दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, इन्हें अगर तुलना ही करनी है तो जेएनयू और दूसरों में पूरी दिल्ली वोट करती है और जेएनयू में 7-8 हजार 9 हजार स्टूडेंट्स जिसको चुनाव जिता कर देते हैं वो जेएनयू का चेयरमैन होता है। ऐसी आप दूसरों की चेयरमैन थी और उस परिप्रेक्ष्य में आज यहां पर आप जो सभी बातों का विश्लेषण करेंगे वो मुंबई की जनता के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके लिए उस सब घटना में मैं नहीं चाहूंगा कि 9 फरवरी को पोस्टर्स कैसे लगे, अफजल गुरु के शहादत पर एक तरीके से मातम का कार्यक्रम कैसे मनाना शुरू हुआ, जेएनयू के अध्यक्ष ने क्या भूमिका रखी, भारत के विरोध के नारे कैसे चले, कश्मीर की आजादी की बात कहते कहते इस देश के टुकड़े वो हजार, ये सब हमने देखा हुआ है। लेकिन हम जानना चाहते हैं उसके पूर्व भूमिका और उसकी आगे की रणनीति राजनीति। लेकिन सतीश जी, मैं सोच रहा था कि जब रवि जी ने मुझे कहा है कि आप भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लीजिए और आपको एक 5-6 मिनट आपकी बात रखनी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं मेरे मन की बात यहां रखने का मुझे शायद मौका मिल रहा है तो मैं खुले रूप से रखूंगा। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो सोचेगा वो तो मैं स्वाभाविकता से सोचता हूं, लेकिन मैं भी युवा राजनीति से वैसे कहो तो इस राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा हूं। और इसके लिए जो समय पर ये सभी चीजें और घटनाएं घट रही है जिसका अभी का चरण ये जेएनयू है, लेकिन उसके पहले भी कुछ चरणों में कुछ चीजें हुई है और उस चीजों को भी अपनी नेशनल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाकर एक भ्रमित वातावरण निर्माण करने का प्रयास इस देश में लगातार हो रहा है, ऐसा मानने वाले में से नहीं हूं। और इसके लिए टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे प्रक्रिया की मुझे लग रही है। और थोड़ा ज्यादा सोचने के बाद मेरे जैसे लाखों युवकों को शायद लग सकता है या लग रहा है, उतनी दो बातें कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देने वाला हूं। ये घटना शुरू होती है जब देश का चुनाव हुआ, तब से तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मेडिसन स्क्वेयर में अमेरिका में 28 सितंबर 2014 में अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वहां पर नॉन रेसिडेंट्स इंडियन जो 20,000 से भी ज्यादा संख्या में आए गए और वहां पर उस माध्यम से पूरे दुनिया को संबोधित कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने वहां पर विशेष रूप से एक बात कही कि मेरा देश ये आने वाले समय पर पूरे दुनिया पर राज करने वाला ये भारत देश होगा। और उस अमेरिका की भूमि से उन्होंने पूरी दुनिया को कहा, उसका कारण यह है कि 35 साल से कम उम्र वाले 65% युवक ये मेरे देश की स्ट्रेंथ है, ताकत है। और इसके
के लिए एक तरीके से मानो उन्होंने अपने देश की आवश्यकता और देश की ताकत का परिचय दुनिया को किया है। लेकिन बाद की घटनाओं को देखकर ऐसा लगने लगा कि उन्होंने जो बात की वो शायद कुछ विचारों को लोगों के लिए खतरा लगने लगा। इस प्रकार की बात सामने आई। बात 28 सितंबर से शुरू हुई, आगे चलकर इस देश की सरकार उस दिशा में एक एक कदम बढ़ाने लगी। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से एक ही समय पर 125 बैंकों में युवकों को लोन देने की योजना घोषित हुई। 80,000 भारत के युवकों को जॉब मिलेगा, इस प्रकार का वातावरण शुरू हुआ। सरकार यहां रुकी नहीं। हमारे विचार के विरोधी शायद ये ताकत और ये युवकों का देश इस प्रकार से इस सरकार के नेतृत्व में जो प्रगति की बात आप रविंद्र जी कह रहे थे, उस तरीके की प्रगति इस देश की ये युवकों के हाथ को काम देने से होगी तो इस देश को हम कहीं पर भी रोक नहीं पाएंगे, ऐसी भावना वहां से पनपना शुरू शायद होगी। स्टार्टअप इंडिया के बाद स्किल इंडिया, 5 साल में 24 लाख इस देश के युवकों को हम स्किल करेंगे। और तब भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरी सरकार पूरे देश की स्किल्ड यूथ प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री इस प्रकार से मैं निर्मित ही करूंगा कि यहां का यूथ पूरे देश नहीं तो पूरे दुनिया में जाएगा और पूरे दुनिया के स्किल्ड लेबर्स या स्किल्ड वर्कर्स में मेरे देश का युवा होगा। स्टार्टअप इंडिया से 80,000 24 लाख युवा अगर मैं स्किल इंडिया से निर्माण करूंगा, स्टैंडअप इंडिया उसके बाद का कार्यक्रम सरकार ने घोषित किया, 2.5 लाख अनुसूचित जाति और जमाति के मेरे युवाओं को मैं इस कदर बनाऊंगा कि वो रोजगार निर्माण करेंगे। मानो हमारे विरोधियों को इस देश की बेरोजगारी की समस्या ये सरकार खत्म करेगी। और जो पहले से ही मोदी जी के पीछे युवकों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें इस प्रकार का माहौल इस देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्माण किया तो ये देश का युवा अगर सेटिस्फाइड होके इस सरकार के साथ रहा तो मेरी मूवमेंट का क्या होगा। सरकार यहां पर भी नहीं रुकी। स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिर मेक इन इंडिया किया। और मोनिका जी इसी मुंबई शहर में 8 लाख करोड़ के एग्रीमेंट्स इस सरकार ने किए और अगर रोजगार की संख्या में आने वाले समय पर 30 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, यह क्षमता इस सरकार ने निर्माण की। मेरे जैसे कार्यकर्ता का मानना है जब इस प्रकार का संदेश पूरी दुनिया में जाने लगा और यहां के युवकों को उनकी जो सामान्य जरूरतें हैं उसकी पूरे करने के लिए सरकार आगे बढ़ी, वैसे वैसे घटनाक्रम हमारे विरोधियों ने इसी युवक विद्यार्थियों की शिक्षा की जगह को संघर्ष का वैचारिक आखाड़ा बनाकर शुरू किया। और इसके लिए उसी तरीके से आप देखेंगे तो 28 सितंबर के बाद उस दरमियान एफटीआई का आंदोलन तीव्र किया, फैशन इंस्टीट्यूट में सालों से पड़े हुए युवकों को एक तरीके से गुमराह करके इसी इंस्टीट्यूट्स और ऐसी देश से दुनिया को मैसेज जाए कि यहां का युवक ये असंतुष्ट है, इस प्रकार का भाव निर्माण करने का प्रयास किया। वो खत्म नहीं हुआ तो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उस बात को लेकर देश दुनिया में वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया। एफटीआई से हैदराबाद से कुछ जेएनयू, और ये तीसरी घड़ी शायद जेएनयू की है कि जब इसी देश में से जब इस देश की सरकार करोड़ों युवकों की मांग पूरी कर सकती है और दुनिया में अपने युवकों की ताकत से निर्माण किया हुआ रोजगार या स्किल दे सकती है, उसी समय पर इस विचारधारा के विरोधी हमारे लोगों ने एफटीआई से जेएनयू तक का संघर्ष शुरू किया। और इसके लिए इस देश की युवा शक्ति को गुमराह करके दुनिया में बदनाम करने का ये षड्यंत्र यानी जेएनयू की कड़ी ऐसे मानने वालों से मैं कार्य करता हूं।
और जिस देश का नेतृत्व ये अगर सक्षम ताकतवर और दिशा देने वाला नहीं होगा तो वो देश दुनिया में स्वाभिमान से लड़ नहीं सकता, खड़ा हो नहीं सकता। और इसके लिए जब जब भी इस हमारे आइडियोलॉजी के विरोध में रहने वाले लोगों को जो मिला उसको पकड़कर नया नेतृत्व इस देश में मोदी जी के और इस सरकार के खिलाफ हुआ, इसके लिए बहुत हवा बनाने का कार्यक्रम भी उसी दरमियान शुरू हुआ। और वो भी हम देखेंगे तो जब चुनाव के समय मीडिया के हमारे मित्रों ने अरविंद केजरीवाल जी को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया कि आप मोदी खत्म, ये केजरीवाल का बात बनी नहीं। दो छह महीना आगे चले गए दिल्ली चुनाव के बाद तो गुजरात में किसी युवक ने आंदोलन किया, एक रैली की तो हार्दिक पटेल आ गया, भाई मोदी खत्म, हार्दिक पटेल आ गया। हार्दिक पटेल से भी बात नहीं बनी तो अभी मैं मेरे मित्र से जिक्र कर रहा था कि इस देश का टॉलरेंस, क्योंकि इंटॉलरेंस की बात चल रही है तो इतना बड़ा है कि भाई अरविंद केजरीवाल से हम ये नेतृत्व अगर उसको खोखला नहीं बना पाए, हिला नहीं पाए, हार्दिक पटेल से वातावरण निर्माण नहीं कर पाए तो कन्हैया से चैलेंज निर्माण करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति मित्रों ये है, 8 से 8.5 हजार युवकों की वोट से जो जेएनयू का अध्यक्ष बना वो 125 करोड़ जनता की वोटिंग में से चुनाव जीते हुए मोदी जी का रिप्लेसमेंट बनाने का प्रयास मोदी कर, और फिर भी हम इन पर रहे। और इसके लिए मुझे लगता है इस वैचारिक संघर्ष में आज का यह कार्यक्रम बहुत सही समय पर हो रहा है कि जब तक इस पूरे षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता जनता को है तब उस समय पर वेल इन्फॉर्म सिटीजन्स के साथ चर्चा करना, ये रामराव मार्गी प्रबोधिनी का आज का यह कार्यक्रम और उसमें विशेष रूप से आने वाले मोनिका जी और विनय जी आप सभी को इस विषय में और विश्लेषित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। मैं मेरे माननीय को यहीं पर विराम देता हूं।